हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन बताए थे। अभी मैं आपको क्वेश्चन 5 बता रहा हूँ। इसमें भी आपको इसको एक्सपेंड करना है। आपको डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है कितने ऑर्डर का है, 3 रोएस में और 3 कॉलम। 3 रो है एंड 3 कॉलम। इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब 3 बाय 3 का ऑर्डर होता है तो आप किसी भी रो को, चाहे रो 1 हो, रो 2 हो या रो 3 हो, किसी भी रो को आप एक्सपेंड कर सकते हो। चाहे रो 1 को कीजिए, चाहे रो 2 को, चाहे रो 3 को, किसी भी रो को आप एक्सपेंड कर सकते हो, या कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को। इजी मेथड्स का ये होता है जिसमें 0 ज़्यादा हो गए। देखिए इसमें 0 यहाँ पे है, 0 इस, ये देखो A21 एलिमेंट भी 0 है, A22 एलिमेंट में 0 है। तो आप रो रो सेकंड को एक्सपेंड कीजिए, ये आपको इजी पड़ेगा। अगर आप रो 1 को एक्सपेंड करोगे उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, रो 3 से भी आ जाएगा, मगर रो सेकंड को करने से ये इजी होगा। देखिए रो सेकंड कैसे करेंगे आपका। देखिए A21 है, A21 एलिमेंट कितने आपका 0 है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले भी, क्या होता है -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 1 है, 2 रो है, सेकंड नंबर की रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो कितना होगा ये 2 प्लस 1। देन A21 एलिमेंट कौन सा है इसमें, 0, तो आपने 0 लिख दिया। देन A21 रिमूव द सेकेंड रो A21 देखिए जो फर्स्ट होता है आपका क्या होता है, रो होती है, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट जो आपका रो होगा एंड सेकंड कॉलम होगा। तो आपने क्या करना है, सेकंड रो को एंड फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो आपकी ये रही और फर्स्ट कॉलम कौन सा है ये, इसको रिमूव कर दिया। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया, तो आपके एलिमेंट बचे -1, -5, -2 एंड 0। -1, -5, -2 एंड 0। नेक्स्ट एलिमेंट है A22। A22 हुआ, A22 इसमें आप कैसे होगा, -1 की पावर, 2 प्लस 2, एलिमेंट कितना है A22 का, 0 ही है। A22 रिमूव द सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, रिमूव द सेकेंड रो, सेकेंड रो आपकी ये और सेकेंड कॉलम कौन सा है ये, इसको आप रिमूव किया, सेकेंड रो को एंड सेकेंड कॉलम को रिमूव कर दिया, तो एलिमेंट क्या हो गया आपके, 3 3। -2 0। देन A23 इसमें आपका ऐसे होगा, -1 की पावर, 2 प्लस 3, टू प्लस थ्री हो गया। A23 एलिमेंट कितना है A23 का, -1। A23 का एलिमेंट कितना था, -1, आपने -1 रख दिया। रिमूव द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड कॉलम थर्ड को रिमूव कर दिया आपने A23 में, सेकेंड रो को एंड कॉलम 3 को,
सेकंड रो एंड कॉलम थ्री को रिमूव किया, एलिमेंट क्या हो गया आपके, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव, थ्री थ्री माइनस वन एंड माइनस फाइव, ए टू थ्री है आपका, एलिमेंट बताया मैंने आपको कितना है, ए टू थ्री है, तो सेकंड रो रिमूव करनी है आपने और थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये आपकी है और थर्ड कॉलम ये है, तो एलिमेंट कितना होगा, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव। आप इसको एक्सपेंड करने मेथड एक ये भी होता है, एक दूसरा मेथड भी है इसको, वो मेथड भी देख लीजिए। अभी आपने एक्सपेंड कर दिया, इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, उस मेथड देख लीजिए कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। उसमें आपका आपका एलिमेंट लोगे, जैसे कि आपका ए वन वन है, तो ए वन वन क्या हुआ, देखो वन प्लस वन, वन प्लस वन टू होते हैं, वन प्लस वन टू हुए, तो टू इवन है ओड है, इवन नंबर है, अगर इवन नंबर होगा तो आपका साइन आएगा प्लस का, ठीक है। ऐसी वन और टू, वन प्लस टू थ्री है, थ्री क्या है आपका ओड नंबर है, देन माइनस का, इवन के लिए प्लस और ओड के लिए माइनस, तो वन प्लस थ्री फोर हुए, फोर इवन है प्लस, ऐसी ए टू वन का, ए टू वन क्या है आपका टू प्लस वन थ्री, थ्री क्या है आपका ओड है, देन माइनस, टू 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 प्लस टू फोर इवन है प्लस, ए टू थ्री टू प्लस थ्री फाइव, फाइव के आपका ओड है माइनस, थ्री प्लस वन फोर इवन है प्लस, थ्री प्लस टू फाइव ओड है माइनस, यहाँ पे थ्री थ्री हो रहा था आपका, सॉरी ए थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स के लिए क्या है आपका इवन है ना, देन प्लस, तो इसका ये मेथड भी हो सकता है, आप देख लीजिए, फर्स्ट प्लस का होगा प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहता है। तो आपको जैसे आपने इसको एक्सपेंड इस मेथड से एक्सपेंड हमने किया, एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करोगे आप। हम सेकेंड रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, देखिए दूसरा मेथड देखिए इसका, जैसे आपका ए टू वन एलिमेंट कितना है आपका, जीरो है, ए टू वन एलिमेंट जीरो है ना आपका, तो टू वन है आपका, तो ये साइन किसका होता है, माइनस का होता है, तो आप लिखोगे माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि ए टू वन माइनस का है यहाँ पे, तो ए टू वन माइनस जीरो। आप चाहे तो ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यह एक दूसरा मेथड है वो आपको बता रहा हूँ, ए टू वन एलिमेंट कितना है आपका, जीरो है, तो ए टू वन में क्या होता है आपका माइनस का होता है, तो माइनस जीरो लिख दिया, बाकी वैसे ही करेगी आपको जैसे किया था। टू वन मतलब रिमूव द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट वही आएगा माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू जीरो, माइनस वन माइनस फाइव माइनस टू जीरो, देखिए एलिमेंट सेम आएंगे, बस आपको ये नहीं करना पड़ेगा माइनस वन की पावर टू प्लस वन, सॉरी एलिमेंट जीरो आएंगे आपको माइनस वन की पावर टू प्लस वन की से डायरेक्ट आपका आ जाएगा माइनस जीरो, प्लस। अब देखिए ए टू टू ये प्लस का है तो प्लस लिख दिया हमने, ए टू टू एलिमेंट कितना है आपका, ए टू टू एलिमेंट कितना है जीरो, तो जीरो लिखा आपने, रिमूव द सेकेंड रो सेकेंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट कितना आ गया, थ्री थ्री माइनस टू जीरो,
देन ए टू थ्री कितना है आपका, ए टू थ्री में कितना है, साइन माइनस का आएगा, तो प्लस के बाद माइनस, तो आप इसमें माइनस लगाओगे, तो देन रिमूव द सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव, एलिमेंट कितना है ए टू थ्री का, माइनस वन है, ए टू थ्री आपका कितना था, माइनस था है ना, ये आपका माइनस था, ए टू थ्री माइनस में आता, टू प्लस थ्री फाइव होते हैं, तो फाइव ओड है तो माइनस आएगा, एक एलिमेंट दूसरा बार ए टू थ्री का एलिमेंट कितना दिया हुआ है, आप ए टू थ्री का एलिमेंट आपको माइनस वन दिया हुआ है, ये माइनस वन होगा आपका, देन रिमूव द ए टू थ्री आपका, रिमूव द सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट क्या आ गया, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव, तो एलिमेंट कितने आ गए, थ्री थ्री माइनस वन माइनस फाइव। दो मेथड मैंने आपको बताए, चाहे तो आप ऐसे एक्सपेंड कर लीजिए, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, या फिर नेक्स्ट में माइनस वन की पावर टू प्लस टू, फिर माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, या आप सीधा लिख सकते हो आप कि ये ए टू वन आपका क्या नंबर है, ओड नंबर है, माइनस का आएगा, माइनस लिख दिया, ए टू टू क्या आपका टू प्लस टू, इवन नंबर है प्लस आएगा, तो प्लस लिख दिया, तो ए टू थ्री आपका क्या है, टू प्लस थ्री फाइव, ओड है तो आपने माइनस साइन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसको इस मेथड से सॉल्व कीजिए या इस मेथड से सॉल्व कीजिए। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आप किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने आपको इसमें रो टू को किया, आप चाहे तो रो थ्री को भी कर सकते थे और रो वन को भी कर सकते हैं, या कॉलम वन को, कॉलम टू को, या कॉलम थ्री को, मत कोशिश कीजिए उस रो को एक्सपेंड कर कीजिए जिससे आपको इजी पड़े। मैंने रो टू को एक्सपेंड, रो टू एक्सपेंड इसलिए की, देखो यहाँ पे जीरो एलिमेंट था, देखिए यहाँ पे जीरो एलिमेंट था, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से की जाए तो जीरो होता है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा आपका, देखिए ये भी जीरो होगा लास्ट में, ये भी जीरो जाएगा, तो इससे इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको रो टू को एक्सपेंड करने बताया। आप रो वन को एक्सपेंड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, रो थ्री को करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कॉलम वन को, कॉलम टू को, या कॉलम थ्री को, किसी को भी एक्सपेंड कीजिए, आपका आंसर सेम आता है। आगे देखिए, आपको मैं बताया था पहले भी सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करते हो आप, माइनस जीरो वे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मैंने आपको बताया था माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो जीरो, माइनस फाइव माइनस टू, माइनस फाइव माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, फाइव टू टेन हुआ, जब इसकी इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो आप, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो है ना, जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन जीरो हुआ, माइनस फाइव माइनस टू प्लस टेन हुआ, फिर बीच में साइन आपका आता है माइनस का, मैंने आपको पहले भी बताया था जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, पहले थ्री मल्टीप्लाई जीरो जीरो, फिर साइन माइनस का लगता है, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस सिक्स हुआ, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन आपका, माइनस फाइव हुआ, माइनस फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, फिर माइनस होगा आपका, ये माइनस थ्री आएगा आपका, माइनस माइनस प्लस थ्री, पहले भी बताया था आपको मैं सॉल्व करना मेथड। अब देखिए, जीरो माइनस टेन, जीरो माइनस टेन माइनस टेन, माइनस टेन की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे जीरो आएगा आपका, जीरो प्लस सिक्स सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई जीरो जीरो,
माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री माइनस ट्वेल्व, आपका आंसर माइनस ट्वेल्व आ गया। आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस? अब देखिए इसी तरह आपका फाइव का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, इसको भी आपको ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। आप किसी भी रो को, चाहे रो वन, इसमें देखिए जीरो तो है नहीं, तो किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे रो वन को कीजिए या रो टू को या रो थ्री को, जिससे आपको इजी लगे। तो आप सॉल्व कर लेना क्वेश्चन से। थ्री थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपका ऐसी है, किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकती है। देखिए इसमें रो में एक एलिमेंट आपका आ रहा है ए वन वन जीरो आ रहा है, तो आप इसमें रो वन को एक्सपेंड कर लेना, रो वन को एक्सपेंड कर लेना, आपको इजी पड़ेगा इससे, तो क्योंकि एलिमेंट जीरो आ गया। या आप रो थ्री को भी कर सकते हैं, तो किसमें एलिमेंट जीरो आ रहा है, रो टू को भी कर सकते हो, इसमें एलिमेंट जीरो आ रहा है, तो किसी को भी सॉल्व कर सकते हो आप। आर वन रो को सॉल्व कीजिए, आर टू को या आर थ्री को। क्वेश्चन सिक्स देखिए, इफ आपको एलिमेंट दिए हुए इसके डिटरमिनेंट्स के, फाइंड डिटरमिनेंट्स क्या निकालना है आपको, ए डिटरमिनेंट्स निकालना है। वैसे निकालिए जैसे क्वेश्चन फाइव बताया मैंने आपको, किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हो आप। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये प्लस का होता है आपका, प्लस माइनस प्लस, है ना, हम रो वन को ही एक्सपेंड कर रहे हैं। आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन है, तो कौन सा एलिमेंट होता है आपका, ए वन वन होता है। रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया हमने, कितना आएगा आपका, वन फोर वन फोर माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस नाइन, ईजी है। देन आपका क्या, प्लस के बाद माइनस, एलिमेंट क्या आपका, वन है, देन माइनस वन, कौन सा एलिमेंट होता है आपका, ए वन टू। रिमूव द फर्स्ट रो, रिमूव द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव कर दिया आपने, एलिमेंट कितना होगा, टू फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस नाइन, टू फाइव माइनस थ्री माइनस नाइन। इसी से नेक्स्ट एलिमेंट का माइनस टू है, ये प्लस का ही होता है आपका, तो प्लस माइनस 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 टू, इसी से आप सॉल्व कर लोगे, फिर एलिमेंट बचेगा आपका टू फाइव। रिमूव द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, टू फाइव वन फोर, टू फाइव वन फोर, वैसे एक्सपेंड करना है आपने, वन माइनस नाइन की मल्टीप्लाई वन से, माइनस नाइन माइनस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, यहाँ साइन माइनस का होता है, प्लस ट्वेल्व होगा आपका, टू मल्टीप्लाई माइनस नाइन माइनस एटीन, फाइव की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से माइनस फिफ्टीन हुआ, यहाँ साइन आपका माइनस का होता है, तो प्लस फिफ्टीन हो जाएगा आपका, देन माइनस टू, टू मल्टीप्लाई फोर एट माइनस फाइव, आप इसको सॉल्व करोगे, ट्वेल्व माइनस नाइन थ्री माइनस एटीन प्लस फिफ्टीन माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री हो गया आपका, एट माइनस फाइव थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो आंसर, इसका आपका डिटरमिनेंट्स आ गया जीरो। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। इफ आपको डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, टू फोर फाइव वन इसके एलिमेंट दिए हुए, नेक्स्ट इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये इसके इज इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स का,
टू एक्स, फोर, सिक्स एक्स, ये इसके एलिमेंट दिए हुए, ये दोनों डिटरमिनेंट्स आपको इक्वल दिए हुए। तो आपको सॉल्व करना है, इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। एक पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेना। देखिए 2 5, 2 5, 4 1, 2x, 6 4x। डिटरमिनेंट बताया था क्या सॉल्व करते हैं 2 बाय 2 का। ये कौन सा ऑर्डर का है? 2 रो है एंड 2 कॉलम है। इसके मल्टीप्लाई इससे करोगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 5 इंटू 4 20। इसके मल्टीप्लाई इससे, देन इसके मल्टीप्लाई इससे, फिर आपस में सबट्रैक्ट करते हो, -20 हो गया। 2x मल्टीप्लाई x, 2x2, 4 6 24। इसके बाद 2 -20 -18, 2x2 -24। -24 इक्वल इस तरफ ट्रांसफर करेंगे आप, तो 2x2 24 -18 24 -18 6, x2 इज इक्वल टू, डिवाइड में आएगा 6/2, तो x2 आ गया आपका 3। देन x वैल्यू कितनी आएगी? √3, रूट है प्लस माइनस। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में आपको ऐसे दिया हुआ है, डिटरमिनेंट्स दिए हुए आपको, इसका ये डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट दिए हुए, कितनी रो है? 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का है, इक्वल दिए हुए। इसमें आपको सेम वैसे करना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, देन एक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर डिटरमिनेंट्स ये इक्वल है। आपको ऑप्शन दिए हुए, इसका आंसर 6 आएगा, या प्लस और माइनस का 6 आएगा, या बी सी पार्ट है -6, या डी पार्ट 0। देखिए वैसे करेंगे इसको भी सॉल्व आप, एक्स ही मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, एक्स ही पावर 2, 18 2 जा 36, 6 6 जा 36, 18 2 जा 36, 36 -36 0, x2 है माइनस का उधर जाके थोड़ा +36 हो गया, तो x इज इक्वल टू √36। √36 के रूट क्या होते हैं आपका? 6 होते हैं, रूट है देन प्लस माइनस 6। तो आपका कौन सा उस पार्ट है? बी पार्ट आपका आंसर आ गया, प्लस और माइनस का 6। स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन इस तरह अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेना। आप सेम क्वेश्चन ऐसे ही आपके सभी क्वेश्चन आप सॉल्व जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो।